नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं HCF और LCM का पार्ट 4। जी हाँ, इससे पहले इसके पार्ट 3 बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आप जब उन्हें देखेंगे तो अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आएगी आपको, जो इसमें समझाया जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 1.08, 0.36, 0.9। तो जब ये डेसिमल में हमें HCF या LCM फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए। सबसे पहले तो डिजिट को लिखना है कुछ इस तरह से, जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद दो प्लेस हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद दो प्लेस है, बट यहाँ पर एक प्लेस है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे दो बनाएंगे। इसको दो बनाएंगे कैसे, यहां पर एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, ठीक है, एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। अब होगा क्या, इससे जो नीचे का पेयर बनते हैं जो डेसिमल के बाद, वो सेम सेम आएगा। यहां पर क्या आएगा 100, यहां पर क्या आएगा 100, और यहां पर भी अब क्या आ जाएगा, पहले तो 10 आता, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 100, ठीक है। और जब डेसिमल में HCF LCM पूछा जाता है तो हम, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाले का लेंगे HCF, ठीक है, और नीचे वाले का लेंगे LCM। और जब यहां पर मान लीजिए कि HCF की जगह LCM पूछा होता, फाइंड द LCM, तो हम क्या करते, ऊपर वाले का लेते LCM और नीचे वाले का लेते HCF। जो पूछा आपको वो ऊपर वाले के साथ करना है, न्यूमिनेटर के साथ करना है, और डिनोमिनेटर के साथ आपको करना है जो उसका अपोजिट होता है। दो ही चीज तो होती है, HCF और LCM। तो यहां पर अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, और यहां पर पूछा होता कि इसका LCM निकालिए तो उसका LCM निकालते और नीचे वाले का HCF। तो देखिए इनका HCF क्या आएगा, अब ये क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट हटाया 1 आ गया, कितने डिजिट है, दो जीरो आ गए, पॉइंट हटाया 1 आ गया, दो जीरो आ गए, फिर पॉइंट हटाया 1 आ गया और दो डिजिट है ना, दो जीरो आ गए। तो 108, 36 and 90। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो देखिए जब हम इसका पेयर निकालते हैं तो क्या आएगा, इसको करते हैं ब्रेक, तो क्या कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से 3 का क्यूब एंड 2 का स्क्वायर। देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 27 27 into 4 क्या हो जाएगा, 108। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 and 2 का स्क्वायर 4, 9 4 36। एंड यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 2 18 5 90 आ गया। और HCF में हमें क्या करना होता है, HCF में हमें लेना होता है कॉमन लेना होता है, और उसके बाद पावर की बात करें तो पावर क्या आती है, मिनिमम आती है, कम से कम जो होती है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आप देखेंगे सब में क्या आ रहा है, 3 2 और 3 2 आ रहा है, 3 2 और 3 2 आ रहा है। तो देखिए 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, और 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 9 2 जा 18। हमने ऊपर वाले का निकाला HCF, तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसको करते हैं हम तो ये कितना हो जाता है, ये 10 की पावर 2, ये कितना हो जाता है, 10 की पावर 2, ये कितना हो जाता है, 10 की पावर 2। और हम करते क्या है LCM में, हम LCM में लेते हैं ऑल, और पावर की बात करें तो पावर आती है मैक्सिमम। यहाँ ऑल के लिए कितना है, यहाँ ऑल के लिए कितना है, अगर हम इसका LCM दिखाएं आपको पूरा करके, तो देखिए ये कितना जाएगा, 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 2, यहाँ कितने नंबर है सारे, यहाँ पर 10 ही तो है, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऊपर कितना आया था HCF लेके 18, नीचे कितना आया था 100, तो कितना जाएगा 0.18, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं इसे 0.18, ऐसे कभी ना बोला करें, पॉइंट के बाद इंडिविजुअली बोला करें डिजिट को,
0.18 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा। अब इसके बाद हम आपको होमवर्क भी देंगे, वो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है इसमें। सबसे पहले डिजिट लिख लीजिए 1.8 एंड लास्ट 7.2 क्या आएगा यहां पर देखिए। यहां पॉइंट के बाद कितने फेस हैं, कितने डिजिट हैं, दो हैं। यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से आता, यहां तो आता 100, यहां कितना आता 10 एंड यहां कितना आता 10। ओके, लेकिन आपको एहतियात ये ध्यान में रखनी होगी कि जिससे कि आप कभी गलती ना करें कि पॉइंट के बाद बराबर बराबर डिजिट कर ले। यहां बराबर कैसे होगी जब यहां एक जीरो आ जाएगी, यहां कैसे होगी जब यहां एक जीरो आ जाएगी, जब यहां एक जीरो आए तो यहां भी एक जीरो आ जाएगी, ऐसे इसमें जब ऊपर जीरो आए तो एक नीचे भी जीरो आ जाएगी। ओके, तो एलसीएम की बात करें, सॉरी एचसीएफ की बात करें इसमें, क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड करना है इसमें, तो 54 का, 180 का एंड 720 का। अब आप देखेंगे ये 100 का आया जब यहां से हटा और दो डिजिट थी तो दो जीरो आ गई, ऐसे यहां से पॉइंट हटा नीचे 1 और दो डिजिट थी दो जीरो आ गई ऐसे यहां पर। तो देखिए 54 आता कैसे है, 3 का क्यूब इंटू 2, 180 कैसे आता है 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ऐसे ही हम देखें 720 कैसे आता है 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5, कुछ इस तरह से ही तो आएगा। आप चेक कीजिएगा इसे, ना है तो बताइएगा। ठीक है, जो अभी आपको समझाया था आप जरूर उसकी प्रैक्टिस में बनाए उसे। तो देखिए अब आपको समझाया था ऊपर मैंने कि एचसीएफ कैसे निकलेगा और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा स्टिक से। तो देखिए एचसीएफ की बात करें तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है सब में 3 इंटू 2, 3 की मिनिमम पावर कितनी है 2, और बात करें 2 की तो 2 की कितनी है 1, तो यहां भी क्या आ जाएगा 18, यहां भी क्या आ जाएगा 18। और जब बात करेंगे इनके एलसीएम की, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था सेम उसी तरह से निकालना है इसे, कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 मीन्स 100। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऊपर एचसीएफ आ गया, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया 18 और नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.18। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन को करना होता है हमें, पूरे इंटेलेक्चुअल को आप कंसंट्रेट करके करें इन्हें, नहीं तो आप डिजिट को मिसप्लेस कर देंगे। और इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर और जरूर देखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद आप सभी का।